नमरूद बाबल का बादशाह था। उल्मा के मुताबिक जिन चार बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, नमरूद उनमें से एक है। इन चार में से दो मोमन थे और दो काफिर। मोमन ज़ुल्करनैन और सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं और काफिर नमरूद और बख्त नसर हैं। नमरूद मुसलसल 400 साल तक बादशाह रहा। इसने सरकशी, जुल्म और तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया और आखरत की बजाय दुनिया का हसूल पेश किया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की दावत दी तो उसने जहालत और गुमराही की वजह से खालिक का इनकार कर दिया। चनाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इससे बहस की लेकिन वो मर्दूद खुदाई का दावा करने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान मुनाजरा इस दिन हुआ जिस दिन वो आग से निकले। इससे पहले इनका आमना सामना नहीं हुआ था। जिस दिन वो इकट्ठे हुए उस दिन ये मुनाजरा वाक़या हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब ज़िंदा करता है और मारता है। उसने कहा, मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। अपनी बात को साबित करने के लिए उस जाहिल नमरूद ने दो कैदी मंगा कर बेकसूर को मार डाला और कसूरवार को छोड़ दिया और कहा कि देखा, मैं जिसको चाहूँ मारता हूँ, जिसे चाहूँ नहीं मारता। इस तरह सबको फरेब देने की कोशिश की कि उसने एक को मौत दे दी और दूसरे को ज़िंदगी बख्श दी। इसका ये अमल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील का जवाब नहीं था और ना ही इसका मौजू मुनाजरा से कोई ताल्लुक था, बल्कि ये एक बेकार बात थी जिससे जाहिर हुआ कि उसके पास कोई दलील ना थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दलील पेश फरमाई वो ये थी कि जानदारों का जीना मरना आम मुशाहिदे की चीज़ है, क्योंकि ये वाकयात खुद ब खुद पेश नहीं आ सकते, लिहाजा ज़रूर कोई ऐसी ज़ात मौजूद है जिसकी मशीयत के बग़ैर इन अशिया का वजूद में आना मुहाल है। लाजमी है कि इन वाकयात का कोई फ़ाइल हो जिसने इन्हें पैदा किया, इन्हें अपने अपने निज़ाम का पाबंद किया जो सितारों, हवाओं, बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और बारिश बरसाता है। इन जानदारों को पैदा करता है जो हमें नज़र आते हैं और फिर इनको मौत से हमकनार करता है। इस दलील पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा परवरदिगार तो वो है जो पैदा करता है और मारता है, लेकिन इस जाहिल बादशाह ने जो कहा कि मैं भी ज़िंदा कर सकता हूँ और मार सकता हूँ, अगर इसका मतलब ये है कि ये नज़र आने वाले काम इसके कंट्रोल में हैं तो ये सरासर ज़िद और हट धर्मी का इजहार है, और अगर इससे मुराद कैदियों का वाक़या है तो इसका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेश करदा दलील से कोई ताल्लुक ही नहीं। बस वो दलील के मुकाबिल दलील पेश कर न सका। चूँकि बहस में नमरूद की शिकस्त का ये पहलू ऐसा है जो कि हाजरीन या दूसरे लोगों में से बहुत से अफराद को समझ में आने वाला नहीं, इसलिए हज़रत इब्राहीम ने एक और दलील पेश कर दी और इसे सबके सामने लाजवाब होना पड़ा। इरशाद बारी ताला इब्राहीम ने कहा, तो वो है जो सूरज को मशरक से निकालता है, लिहाजा तू इसे मगरिब से निकाल दे। यानी ये सूरज रोज़ाना मशरक से निकलता है जिसे इसको पैदा करने वाले और चलाने वाले ने मुकर्रर कर रखा है। अगर तू ही ज़िंदगी और मौत का मालिक है, जैसा कि तेरा दावा है कि तू जिंदा करता है और मौत देता है, तो इसको मगरिब से लेकर दिखा, क्योंकि जिसके हाथ में ज़िंदगी और मौत का इख्तियार हो वो जो चाहे कर सकता है और उसे ना मना किया जा सकता है और ना मुग़ल्लब किया जा सकता है, बल्कि वो हर चीज़ पर गालिब होता है और हर चीज़ इसके हुक्म की पाबंद होती है। अगर तेरा दावा सच्चा है तो ये काम कर, वरना साबित हो जाएगा कि अगर तेरा दावा गलत है। और यही हकीकत है और हर शख्स जानता है कि तू ये काम नहीं कर सकता, तो इस तकदर आजिज़ है कि एक मच्छर भी पैदा नहीं कर सकता। इस तरह हज़रत इब्राहीम ने इसे जाहिल और आजिज़ होना वाज़ेह फरमा दिया, लिहाजा इसके पास कहने को कुछ नहीं था और इसका मुंह बंद हो गया। इसलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं, ये सुनकर काफिर शशदर रह गया, और अल्लाह बेइंसाफ़ों को हदायत नहीं दिया करता। नमरूद ने अशिया खुर्दनी का इंतज़ाम अपने हाथ में रखा था,
लोग गल्ला लेने के लिए इसके पास जाते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी दूसरों के साथ गल्ला लेने गए। इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गल्ला देने से इनकार कर दिया। आप खाली हाथ लौटे और घर के करीब पहुँचे तो दोनों बोरे मिट्टी से भर लिए और सोचा कि जब मैं घर पहुँचूँगा तो घर वाले मुतमईन हो जाएंगे। घर पहुँच कर इन्होंने बोरे उतारे और ख़ुद सो गए। आपकी जोजा मोहतरमा हज़रत सारा बोरों के पास गईं तो देखा कि वो उम्दा गल्ले से भरे हुए ही हैं। इन्होंने खाना तैयार किया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो देखा कि खाना तैयार है। इन्होंने पूछा, ये खाना कहाँ से आया है? जोजा मोहतरमा ने फरमाया कि जो आप लाए थे इससे तैयार किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह पाक ने मौजज़ाना तौर पर अता फरमाया है। नमरूद मरदूद हर बार तौहीद की दावत को कबूल करने से इनकार करता रहा और बिलाखिर बोला, तो अपने लश्कर जमा कर ले, मैं अपने लश्कर जमा करता हूँ ताकि तेरे खुदा के साथ मेरा मुकाबला हो। हज़रत इब्राहीम ने फरमान, ए मरदूद, तू अपना लश्कर जमा कर, मेरा खुदा कुन फयाकून में जमा कर देगा। तब वो मरदूद मशरक व मगरब की फ़ौज को जमा करने में लग गया। हज़रत इब्राहीम ने आखिरी बार भी इसको हदायत की दावत दी, लेकिन इस मरदूद ने कहा, मुझे तेरे खुदा की कोई हाजत नहीं। उस वक्त हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी कि ऐ मालिक, ये मलऊन नाफरमान तेरे साथ मुकाबला करना चाहता है, इसको हलाक कर। तेरी मखलूक में मच्छर अदना और ज़यीफ़ है और कई जानवरों की खुराक बनता है। मैं तेरी रहमत से इस मच्छर को मांगता हूँ कि वो इस मरदूद का खात्मा करे। बस इनकी दुआ कबूल हो गई। नमरूद ने अपनी फ़ौज को मैदान में इकट्ठा किया और हज़रत इब्राहीम से कहा कि अगर तेरा खुदा चाहे तो ज़मीन की हकूमत हमसे छीन ले, मगर इससे पहले मेरी फ़ौज का मुकाबला करे। हज़रत इब्राहीम ने इससे कहा कि मरदूद, देख, मेरे खुदा की फ़ौज आ गई है। नमरूद ने देखा कि मानद अब्र स्याह हवा पर कुछ चला आता है। ये देखकर लश्कर में हलचल मच गई, मच्छरों का शोर फैल गया और इस मरदूद का सारा जोशो खरोश जाता रहा। यूँ अल्लाह पाक ने इस लश्कर पर मच्छर मुसलत कर दिए। इन्होंने इनका गोश्त इस तरह खा लिया, सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। एक मच्छर इस पलीद नमरूद की नाक में घुस गया और दिमाग में जाकर इसका मगज़ खाने लगा। मरदूद इस अजाब में गिरफ्तार हुआ कि जिसका चारा कुछ न हो सका। वो किसी से सर पर लकड़ी या थोड़ा मरवाता जिससे मच्छर कुछ पल दम लेता और इसको चैन आता। शब रोज़ इसके सर पर सोंटे खाते हुए गुजरने लगे, हत्ता कि अल्लाह पाक के हुक्म से वो मरदूद कुफर की हालत में हलाक हो गया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इस वाक़े से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।